प्रिय साथियों, मैं सौरभ जाजड़िया परिश्रम क्लासेस झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा कोण, एंगल, घंटे की सुई का, मिनट की सुई का, सेकंड की सुई का, इनमें समानता और बजे के बीच कोण। आज अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ओवरलैपिंग, अति व्यापन, आच्छादन, पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर। देखो नेक्स्ट टाइप क्या होती है अपने पास? नेक्स्ट टाइप है अति व्यापन, आच्छादन, शून्य डिग्री का। कितने डिग्री का? शून्य डिग्री। सरल रेखा में, सीधी रेखा में एक ही दिशा, कोई भी नाम है आपको एक ही काम समझना है। इनका मतलब होता है कि घड़ी की घंटे और मिनट, हमेशा अपन घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की ही बात करेंगे, इसमें सेकंड वाली सुई की बात नहीं करेंगे। तो अति व्यापन, आच्छादन, शून्य डिग्री का कोण, सरल रेखा, सीधी रेखा में एक ही दिशा में दोनों सुई का। इसका तात्पर्य होता है कि घड़ी के घंटे व मिनट की सुई पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर हो। क्या हो? ऊपर हो, तो उसी को अति व्यापन कहते हैं, उसी को आच्छादन कहते हैं। जैसे मैं यहां पे घड़ी बना रहा हूं, आपने देखा होगा यहां 12 है, यहां 6 है, यहां 3 और यहां पे 9 है। क्लियर? अब यहां से अपने को क्या करना है? देखो यहां से अपने को करना है, आपने देखा होगा घड़ी में जब 12 बजते हैं, कितने बजते हैं? 12 बजते हैं। दोनों सुइयां पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर होती है, तो दोनों सुइयां जब पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसी को अति व्यापन कहते हैं, घड़ी के घंटे और मिनट वाले, इसी को आच्छादन कहते हैं। अब देखो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। कितने समय का अंतराल है? 0 मिनट का अंतराल है और 0 घंटे का अंतराल है। मतलब समय में मिनट भी 0 है और घंटे भी 0 है। क्लियर है? दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का। सरल रेखा में, सरल रेखा में है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। लेकिन दोस्तों आपके कंफ्यूज हो गया, क्या कंफ्यूज हो गया कि सर ये सीधी रेखा और सरल रेखा तो हमने अपोजिट फिनोमिना में विपरीत समय में पढ़ी थी, लेकिन दोस्तों इनके साथ जब वो क्वेश्चन ये बोल दे कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे सरल रेखा में होगी परंतु विपरीत, तो सरल रेखा के साथ या सीधी रेखा के साथ विपरीत शब्द लिखा हुआ होगा तभी अपन विपरीत मानेंगे, अन्यथा अपने को क्या मानना है? पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर ही मानना है। ये और अच्छा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तब आएगा। अब देखो अपने पास दोस्तों क्या होता है कि अपने पास 12 बजे पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर होती है। ये है ऐसी घटना, एक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार होता है। 12 घंटे में कितनी बार? देखो यहाँ पे मैथ्स का नियम, जो गणित का जो नियम है वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है और यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं। देखो अपने पास एक रुपए में एक चॉकलेट मिलती है, एक रुपए में एक चॉकलेट मिलती है, तो 12 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 12। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे अपन घड़ी की बात करते हैं, तो अपने पास एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 बार हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन आधे दिन में, कितने दिन में? आधे दिन में। समझ में आ गई बात? अब यहां से आता है अपने पास 24 घंटे में कितनी बार, तो कितनी बार हो जाएगा? 22 बार पूरे दिन में। कितने दिन में? पूरे दिन। अब वो ये आपको कहेगा
कि घड़ी की दोनों सुइयां आधे दिन में कितनी बार अति व्यापन में होती हैं? तो कितनी बार होती है? 11 बार। घड़ी की दोनों सुइयां पूरे दिन में कितनी बार आच्छादन होती हैं? 22 बार। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये है, क्या है कि घड़ी की बात कर रहे हैं अपन, तो एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, एक बार की कमी हो गई। वो एक बार की जो कमी है, इस कमी का अपने को क्या पता चला कि आपने देखा होगा 11 और ये क्या है, ये क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो गया 10। आप देखना जब 11 बजते हैं, यहाँ की बात है, जब 11 बज गए, 11 बजने के बाद मिनट वाली सुई आगे आएगी तो घंटे वाली सुई भी आगे की हो जाएगी। घर पे बैठे हो अभी वर्तमान में, आप घर पे घड़ी है सबके पास, प्रैक्टिकल करके देखना, 11 से जो ही आप आगे की ओर आओगे तो 12 बजे, जो ही 12 बजेंगे तब जाके दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, 11 से 12 बजे के बीच नहीं होंगी। उसी प्रकार 12 से 1 जो ही 1 बजेगा तब तक नहीं होगा। तो ध्यान रखना 11 से 1 कितना, 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच दोस्तों कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। जब 1 घंटे में एक बार होता है तो 2 घंटे में कितनी बार होगा, 2 बार। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 घंटे में कितनी बार होगा, 1 बार होगा। तो अपनी जो कमी हो रही थी वो कितने बजे से कितने बजे के बीच होती है, 11 से 1 बजे के बीच होती है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, बोले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में ये 3 टाइप है ऐसी। एक तो अपने पास अति व्यापन आच्छादन, शून्य डिग्री, सरल रेखा, सीधी रेखा, पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर, इसकी बात होती है। एक होता है विपरीत वाला और एक होता है संपूर्ण वाला। ये 3 टाइप है, इन तीनों टाइप में राजस्थान पुलिस में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 12 बजे के बीच अति व्यापन करेगी या नहीं, करेगी तो कितने बजे करेगी। तो 11 से 12 बजे के बीच, और दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, 11 से 12 बजे तक। दोस्तों ध्यान देना, बीच और तक में बहुत डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना। बीच का मतलब होता है किनारे वालों को छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो। तक का मतलब होता है काउंट सबको करना है, किनारे वालों को भी काउंट करना है और जो बीच में बैठे हैं उनको भी काउंट करना है। देखो बीच का मतलब क्या होता है, 11 से 12 बजे के बीच का मतलब होता है 11 बजकर 1 सेकंड से 11 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड। समझ में आ गई बात? लेकिन 11 से 12 बजे तक, तक का मतलब क्या होता है, तक का मतलब होता है 11 बजे से और 12 बजे तक। कहने का मतलब तक में पूरा समय लेंगे, जो किनारे वाले दिन थे वो भी लेंगे, लेकिन बीच में ना 11 को लेंगे ना 12 को लेंगे, 11 से 1 सेकंड आगे और 12 से 1 सेकंड पीछे। तो क्या 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आती व्यापन करेंगी, नहीं करेंगी दोस्तों? 11 से 12 बजे के, 11 से 12 बजे तक करेंगी, बिल्कुल करेंगी। कितने बजे, 12 बजे। फिर बता रहा हूं आपको, 11 से 12 बजे के बीच अपने पास क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो यह आता है कि 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अति व्यापन करेंगी, और अपन तुरंत लिख देते हैं 12 बजे, ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है अपन 12 बजे। दोस्तों बीच में नहीं करती, तक में करती है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा शब्द है लेकिन एक क्वेश्चन अपना भविष्य बना भी सकता है और एक क्वेश्चन अपना भविष्य बिगाड़ भी सकता है।
तो ध्यान रखना शब्द शब्द की कीमत है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो अपने पास, अपन ने क्या किया, इसी प्रकार अपने पास 12 से 1 के बीच और 12 से 1 तक इसी प्रकार में क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहां से मैं बात करता हूं आपको, 11 से 1 बजे तक का हो गया, अब मैं बात करूंगा 1 से लेकर 11 तक, 1 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब 1 बजे से 11 बजे तक की बात करूंगा तो अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। अब वो फॉर्मूला पूरा डिटेल से मैं ये तीन पॉइंट पढ़ने के बाद बताऊंगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे। अभी तो अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होगा जैसे मैंने आपको कह दिया कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन करेंगी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, 60/55 इंटू घंटे की दोनों सुइयां दे रखी है, और कितने घंटे का अंतराल है, 1 घंटे का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने यूनिट चलती है, जैसे 12 बजे, 12 से 1 बजेंगे तब कितने यूनिट चलेगी, 5 यूनिट चलेगी। 8 से 9 जाने में कितने यूनिट चलेगी, 5 यूनिट चलेगी। तो 5 × 8 से 9 बजे के बीच का जब भी समय पूछा जाता है तो आप 8 बजकर बताओगे या 9 बजकर बताओगे। तो दोस्तों अपन 8 बजकर बताएंगे, कितने बजकर बताएंगे, 8 बजकर। तो इंटू 8 क्या है, आरंभिक समय। क्लियर है दोस्तों? अब ये 60/55 कहां से आया ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां से और फॉर्मूला बना लेते हैं, कितना हो गया 60/11 इंटू आरंभिक समय। ये अपना अति व्यापन का, आच्छादन का, 0° का, सरल रेखा का, सीधी रेखा का, एक ही दिशा में सबका मान आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, 60/11 इंटू आरंभिक समय। अब ये 60/55 है ये मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से, इसके अंदर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, और वो क्वेश्चन SSC में मैक्सिमम बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन 60/55, इसलिए इसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों? अब अपन क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी एक्सरसाइज आप करना, नहीं आता हो पूछना। दोस्तों मैंने समय लिया था 8 से 9 बजे के बीच का। दोस्तों यदि किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों से भी करवाइए। अब अपने पास मैंने समय लिया था 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अति व्यापन में होंगी, 8 से 9 बजे के बीच। तो मैंने फॉर्मूला बताया था 60/11 इंटू आरंभिक समय। आरंभिक समय क्या है दोस्तों, अपने पास यहाँ पे 8, तो 8 यहां से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 8 × 6 = 48, 480/11 काटो इसको, कितना आ जाएगा, 11 × 4 = 44, कितने बचे, 4 40 हो गए, 11 × 3 = 33, कितने बचे, 7/11, 43 सही 7/11। ये जो मान आएगा वो किसका मान आएगा दोस्तों, मिनट का आएगा। किसका मान आएगा, मिनट का आएगा। तो कितने बजकर अपन ने 8 से 9 बजे के बीच की बात की है, तो कितने बजकर बताएंगे, 8 बजकर। तो अपने पास क्या जाएगा, 8 बजकर 43 सही 7/11 बजे। दोनों सुइयां पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर होंगी, 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां अतिव्यापन में होंगी, 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां आच्छादन में होंगी, 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी और एक ही दिशा में होंगी। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो अपने SSC 10+2
CHSL इनमें पूछा जाता है और इसके साथ रेलवे में भी पूछा जाता है। अब अपने पास क्या पूछा जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको 2:20 से 3:30 के बीच, 2:20 से 3:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आच्छादन करेंगी। अब यहाँ पे कितनी बार के बारे में पूछेगा, कितने बजे के बारे में पूछे, तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि कितनी बार करेंगी तो आप ये भी बता सकते हो कि कितने बजे करेंगी। ये अपने पास SSC 10+2 रेलवे और इनसे बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे अपने पास इस चैनल से रास्ता पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बंदे भी जुड़े हुए हैं, और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, सभी कंपटीशन वाले जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये SSC और रेलवे में भी पूछा जाए या रास्ता पुलिस में भी पूछा जा सकता है। तो अपने को ऐसा कंपेयर नहीं करना है कि ये उसी एग्जाम में, अभी तक आज तक जो एग्ज़ाम लगी है उन एग्जाम में ये SSC और रेलवे में पूछे गए हैं, बाकी किसी में नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी अपने को अपना काम करना है। अपने को ये देखना है कि 2:20 और 3:30 अभी यहाँ पे जो समय दे रखा था 8 से 9 पूरा दे रखा था और अपन ने कर लिया, लेकिन यहाँ पे जब मिनट भी साथ में दे रखे हो, जब बजे दे रखा हो, यहाँ पे क्या घंटे दे रखे हैं, यहाँ पे बजे दे रखे हैं, जब बजे दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना 8:20 ये जो बजे हैं ये 2 घंटों के बीच का समय होता है। तो 2:20 इसका मतलब 2 तो बजे हैं और 2 बजने के बाद 20 मिनट हुए हैं, और आगे समय आएगा तो वो कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। तो 2:20 किन 2 घंटे के बीच का समय है, 2 से 3 बजे के बीच का है। इसी प्रकार 3:30 3 से 4 बजे के बीच का समय है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, इसमें 2 घंटे आ जाएंगे, 2 से 3 और 3 से 4 दो अंतराल होंगे। इन दोनों अंतरालों को अपन इसी तरीके से सरल करेंगे। तो अपने पास क्या था, फॉर्मूला जो आपने लिखा हुआ था 60/11 इनटू आरंभिक समय, वो यहाँ लेना है। 60/11 आरंभिक समय कितना है दोस्तों, 2। तो अपने पास कितना हो गया 120, 60 × 2 120/11 काटोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 11 × 11 कितना बच गया, 1। 10 में भाग नहीं जाता है, और 10 में भाग नहीं जाता तो कुछ मेरे साथी ऐसे हैं यहाँ पे भाग टूट जाता है और वो सुनने लगाना भूल जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना 120 में 11 का भाग दोगे तो 10 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 10/11। तो अपने पास क्या समय आ गया, ये समय किसका है, मिनट का है, कितने बजकर, 2 बजकर। तो 2:10 सही 10/11 एक समय दिया गया, आ गया। आगे वाला समय याद रखते हैं कि अपने पास 60/11 है, आरंभिक समय कितना दोस्तों, 3। कैलकुलेशन करो 180/11 तो 180/11 में कैलकुलेशन करोगे 11 × 11 कितने बचे दोस्तों, 7 70 11 × 6 66 4/11 कितने बजकर, 3 बजकर 3:16 सही 4/11 अब वो ये क्या पूछा इसने, इसने ये पूछा कि घड़ी की दोनों सुइयां 2:20 से 3:30 बजे के बीच कितनी बार अति व्यापन करेंगी। तो कितनी बार अति व्यापन करेंगी, तो ध्यान रखना जो पहले वाला समय दे रखा है इसके आगे वाला समय लेना है, और जो बाद वाला समय दे रखा है इसके पीछे वाला समय लेना है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का लेना है। तो क्या 2:20 से 3:30 के बीच का है, नहीं, 2:20 से छोटा है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। क्या 3:30 से छोटा है, 3:16 बिल्कुल छोटा है, तो अपने पास कितनी बार करेगी, 1 बार। अब वो ये पूछ ले कितने बजे करेगी, तो अपन क्या बता देंगे, 3:16 सही 4/11 क्लियर है दोस्तों।
यदि क्वेश्चन यहां पे ये पूछ ले 2:10 से 3:20 बजे के बीच, अब देखो 2:10 से 3:20, पहले मैं 3:20 वाला, 3:20 से छोटा समय, तो 3:20 से छोटा है, बिल्कुल क्लियर है लेंगे, लेकिन 2:10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, 2:10 से बड़ा होना चाहिए, तो 2:10 तो है यहाँ पे, क्या 2:10 से आगे कुछ और है, 10/11 मतलब कुछ पल आगे है, तो 10 से तो आगे ही है, तो 10 से आगे है तो अपन क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, तो कितनी बार करेगा, 2 बार करेगा। यदि क्वेश्चन ये आ जाए 2:10 से 3:16 बजे के बीच, 2:10 से 3:16 बजे के बीच तब कितना आएगा, तो 2:10, 10 से आगे 10/11 ये तो हो जाएगा 3:16 से पीछे का समय होना चाहिए, लेकिन 3:16 से आगे का समय 4/11 कुछ पल आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। दोस्तों ये टाइप आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अपने साथियों को भी कहें कि कैसा लगा आपको, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के बताते हो तो अपने नंबर लिखे हुए हैं 9680101818, ये अपने कोचिंग के नंबर हैं, ऑफिस के नंबर हैं, लेकिन इनसे जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप मेरे पास है, तो दोस्तों व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो आप, जैसी आपकी समझ है उस तरीके से आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।